वेल दोस्तों, आप सब देख रहे हैं कि जब से कुंडली भाग से मशहूर हुई अभिनेत्री श्रद्धा आर्य की शादी की खबर आई है, तब से सबकी जुबा पर इनका ही नाम है और हर जगह इनकी चर्चाएं हो रही है। इनके फैंस से लेकर टीवी इंडस्ट्री के सभी सितारे इन्हें इंस्टा और ट्विटर पर अपना रिएक्शन देते हुए नजर आए हैं। तो वहीं शहनाज गिल ने भी अपना काफी बहुत ही इमोशनल रिएक्शन देते हुए इनको शादी के लिए मुबारकबाद दिया है। तो इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको टीवी की मशहूर अभिनेत्री शहनाज गिल के उस इमोशनल रिएक्शन के बारे में ही बताने वाले हैं कि उन्होंने रिएक्शन में क्या बोला है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक और शहनाज गिल के लिए एक लाइक तो बनता है। वेल दोस्तों, आप सब देख रहे हैं कि कुंडली भाग्य सीरियल फेम श्रद्धा आर्य की शादी की खबर बड़े ही जोरों शोरों से सुर्खियों में है। सूत्रों से पता चला है कि दिल्ली के एक लड़के से दिल्ली में शादी के बंधन में बंधने वाली हैं और दूल्हे का नाम राहुल शर्मा है और वो नौसेना में काम करता है। शादी 16 नवंबर को एरोसिटी के अंदाज होटल में होगी और शादी में केवल करीबी दोस्त और परिवारों को ही आमंत्रित किया जाता है। इनकी शादी की खबर सुनकर सब काफी खुश है और अपना रिएक्शन दे रहे हैं। पर इन सब से बिल्कुल अलग शहनाज गिल अपना रिएक्शन देती हुई नजर आई है। इन्होंने इन्हें शादी के लिए रोते हुए मुबारकबाद देते हुए बोला, अगर मेरा सिद्धार्थ आज होता तो हमारी भी ऐसे ही शादी होती। मैं उससे बहुत प्यार करती थी। बिग बॉस के घर में उसके साथ बिताया हुआ हर एक पल मुझे अभी भी याद है। इतना ही नहीं, हमने तो बिग बॉस के घर में ही सब डिसाइड कर लिया था। मैंने तो अपनी शादी का जोड़ा भी सिलेक्ट कर लिया था और कहाँ शादी करेंगे, क्या क्या डेकोरेशन रहेगा, यह सब डिसाइड कर लिया था। पर ये नहीं सोचा था कि जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ, जिसके साथ अपनी पूरी जिंदगी देख रही हूँ, वो मुझे ऐसे ही बीच में छोड़कर चला जाएगा। पर कोई नहीं श्रद्धा, मैं तुम्हारी शादी के लिए बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगी। तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी खुशियों से भरी हो, मेरी बस यही विश है। इन्होंने ये सब रोते रोते बोला था। इनका ये रिएक्शन देखकर श्रद्धा आर्या भी इमोशनल हो गई थी। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है शहनाज गिल के इमोशनल रिएक्शन के बारे में? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही और तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।